क्या गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल? क्या सच में केजरीवाल से डरती है बीजेपी? आपके बीजेपी से बड़े सवाल हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के। नमस्कार, मैं कशिश और देख रहे हैं आप लीडिंग भारत। अब देखा जाए यहाँ पर शराब घोटाला, कितने लोग फंस गए उस मामले में, और शराब घोटाले से घिरे हुए सीएम केजरीवाल की ईडी के सामने एक बार फिर पेशी होंगी। लेकिन छह समय पर भी सीएम केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने पेश हुए। यहाँ तक कि केजरीवाल ने खुद बोला था कि वह 17 तारीख को पेश होते हुए नजर आएंगे। अब बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन भी लगाई। अब वकील का कोर्ट में कहना है कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से पेश नहीं हो पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी कहती है कि केजरीवाल यहाँ पर डट गए। अब यहाँ तक कि केजरीवाल का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। वो कहते नजर आए हैं कि मैं आना चाहता था, लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से मैं नहीं आ सका, अगली तारीख पर आ जाऊंगा। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया और अब 16 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई भी हो। आपको बता दें यहाँ पर कि दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 5 से 6 बार समन भेजकर लगातार तलब करने की बात कर चुकी है, लेकिन एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। पिछले दिनों ही ईडी ने उन्हें 6ठा समन भी भेजा और अदालत के सामने पेश होने की बात भी कही थी, यहाँ तक कि जवाब भी मांगा था, तो कहा था कि वह अब तक ईडी के ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये ईडी का सवाल था। और केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने की बड़ी साजिश की जा रही है, मेरी गिरफ्तारी बीजेपी का मकसद है क्योंकि 10 साल के बच्चे से डर गई है बीजेपी। ये सारे लगातार सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि केजरीवाल बेगुनाह है या फिर खुद को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और क्या ये कोशिश कामयाब होती नजर आए कि ये सवाल यहाँ पर बने हो, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा है। एक तरफ बीजेपी लगातार कह रही है 400 पार, दूसरी तरफ कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि केजरीवाल की गिरफ्तारी करा के यहाँ पर बीजेपी इस चीज का फायदा उठाने वाली है। अपनी राय दीजिएगा इस पर कि क्या लगता है, 2024 को मद्देनजर रखते हो और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो लगातार सवाल बने। देखते रहिए यहाँ पर लीडिंग भारत।